Hello friends, welcome to Gates Measures. The topic is TCP, that is Transmission Control Protocol. In transport layer, there are two protocols which are majorly used, that is TCP and UDP. In this video, we are going to see the TCP and the overview of header. Header means whenever we send the data through TCP, TCP adds a header along with the data. So header provides lot of functionalities, and what are the various functionalities? Means इसके अंदर अलग अलग entries हैं, उन सारी entries का क्या advantage है to send the data properly to the receiver, that we are going to see one by one. So first of all, TCP, Transmission Control Protocol, इसके बारे में सबसे पहले इसकी जो basic functionalities के बारे में discuss करें, इसका मतलब TCP actual में है क्या? Transmission Control Protocol use करते हैं हम transport layer में, एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर से डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, उस डेटा के साथ हम एक हेडर ऐड कर देते हैं. वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, आइदर टीसीपी और यूडीपी. अगर मैं टीसीपी यूज कर रहा हूं तो मैं टीसीपी हेडर इस डेटा के साथ में सेंड करता हूं. अब ये टीसीपी हेडर ऐड करने का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला क्या है? बाइट स्ट्रीमिंग. बाइट स्ट्रीमिंग मींस TCP is a byte streaming protocol. From the application layer, continuous data comes. मतलब application layer से transport layer पे continuously data आता है without there is any limitation. मतलब कोई limitation नहीं है कि इतना ही data आ सकता है. Application layer से कितना भी data आ सकता है transport layer पे, but transport layer करता क्या है उसको? Bytes. Bytes means collection of bits. और उसको convert करता है ये segments में. This is a very important point because यहाँ पे TCP की first functionality क्या है? Segmentation. Segmentation means whenever the data comes from the application layer, TCP उसको segments बना देता है. और हर एक segment के अंदर होगा क्या? बहुत सारे bytes होंगे, बहुत सारे bytes. ये सारे क्या है? एक तरह से bytes है. ये bits नहीं है, these are all the bytes. मतलब what is a segment? Segment is a collection of bytes. So continuously जब bits आती रहती हैं, उन bits को वो bytes में convert कर देता है, और collection of bytes को हम एक segment बोलते हैं. तो TCP क्या करता है? एक segment create करता है. जैसे ही segment निकल जाता है, फिर दूसरा segment create करता है. And each segment is a collection of various bytes. Next is connection oriented. TCP is working as a connection oriented. Because जब हम network layer के पे बात करते हैं, network layer पे use करते हैं protocol IP. IP is a connectionless. It is known as datagram service. मतलब but अगर मुझे यहाँ पे proper reliability चाहिए, यहाँ पे connection oriented का सबसे main advantage क्या है? Reliability. Reliability. मतलब जो data मैं send कर रहा हूँ, वो सारा का सारा डेटा रिसीवर एंड पे पहुंचना चाहिए विदाउट एनी लॉस. अगर इनकेस लॉस होता भी है, आई हैव टू रीट्रांसमिट दैट डेटा. तो इस चीज की गारंटी कौन देता है? टीसीपी. अगर मैं यहां पे यूडीपी यूज कर रहा हूं, तो दैट डजंट गिव एनी गारंटी कि सारा डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा. तो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, और यहां पर ये यूज करता है थ्री वे. थ्री वे हैंडशेकिंग मतलब पहले कनेक्शन बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, रिसीवर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड आता है कि ओके आई एम रेडी, फिर थर्ड एक और रिक्वेस्ट जाती है कि ओके आई एम नाउ सेंडिंग द डेटा. तो थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज करता है टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन. और इसका एडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है मेरे को कि डेटा सारा का सारा वहां पे रिसीवर एंड पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा. थर्ड इज फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मीन्स यहाँ पे बोथ एंड पे काम कर रहा है. टीसीपी जो है, अगर मैं यहाँ पे दो एंट्री की बात करूं, ए एंड बी, तो पहले ए ने अगर डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, या ए ने पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश की रिक्वेस्ट भेजी, तो ए और बी जब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे थ्रू टीसीपी, तो दैट चैनल विल वर्क एज ए फुल डुप्लेक्स. मतलब ए बी को भी डेटा सेंड कर सकता है, उसी टाइम पे बी भी ए को डेटा सेंड कर सकता है. सो इट इज वर्किंग एज ए फुल डुप्लेक्स. बोथ कैन ट्रांसमिट द डेटा एट अ सेम टाइम. सो दिस इज कॉल्ड द फुल डुप्लेक्स नेटवर्क. नेक्स्ट इज पिगी बैकिंग. वट इज पिगी बैकिंग? मीन्स whenever we receive the data, we have to send the acknowledgement. Acknowledgement means कि मेरे को
जिस बंदे ने मुझे डेटा सेंड किया मुझे उसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ती है कि ओके, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो लास्ट में एक्नॉलेजमेंट क्या आती है, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड या मैसेज सेंड, तो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो वो एक्नॉलेजमेंट जब हम सेंड करते हैं सेंडर को, तो हम उस एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिगीबैकिंग। टीसीपी के बारे में एक और चीज बता देता हूँ, टीसीपी जो है यूज करता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एंड एज वेल एज सेलेक्टिव रिपीट, मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करता है, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट को टू सेंड द डेटा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट की, दैट एक्नॉलेजमेंट इज कम्यूटेटिव ऑल्सो एज वेल एज पिगी बैकिंग, मतलब हम अगर मेरे पास बहुत सारे पैकेट रिसीव हो रहे हैं तो मेरे को सारे पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे पैकेट्स को एक्सेप्ट करके सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट भेजता हूँ। वो एक्नॉलेजमेंट क्या भेजता हूँ वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी एक सिर्फ हम यहाँ पे वहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पिगी बैकिंग होता क्या है। हम एक्नॉलेजमेंट के साथ में डेटा भी सेंड कर सकते हैं, उससे क्या है नेटवर्क पे लोड जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट अलग जा रही है डेटा अलग जा रहा है, बेस्ट क्या है दोनों को एक ही पैकेट में डाल के एक ही जगह पे डाल के सेंड कर दो। एरर कंट्रोल, टीसीपी ऑल्सो प्रोवाइड्स द एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मींस अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ और उस डेटा में कुछ चेंज हो गया ड्यू टू सम नॉइज और ड्यू टू सम अदर एक्टिविटी, देर इज सम चेंज अकर्ड इन द डेटा, तो जो बंदा डेटा को रिसीव कर रहा है उसको एटलीस्ट पता लग जाए, डिटेक्ट कर पाए कि देर इज सम काइंड ऑफ एरर इन द डेटा। सो टीसीपी सपोर्ट एरर कंट्रोल एंड दीज आर दी मैंडेटरी फील्ड्स, दीज आर दी मैंडेटरी फील्ड्स इन द टीसीपी। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मींस whenever we send the data to the receiver we have to maintain some flow control, otherwise जो receiver है वो पूरा का पूरा data से भर जाएगा, मतलब अगर मैं data send कर रहा हूँ receiver को तो receiver जो है वो receiver का जितना भी buffer है मतलब उसकी receive करने की capacity है, मैं उस capacity से कम या उसके बराबर तक ही data send करूँ, उससे ज़्यादा amount में अगर मैंने data send किया तो receiver जो है वो data को properly accept नहीं कर पाएगा, so there can be some loss of the data. Congestion control, congestion control means whenever we send the data to the receiver to receiver ka ख्याल रखते हैं हम कि रिसीवर की कैपेसिटी अगर 1000 बाइट है एक्सेप्ट करने की तो मैं 1000 बाइट तक का ही डेटा मैक्सिमम सेंड करूंगा, उससे ज्यादा का नहीं सेंड करूंगा। लेकिन टीसीपी उस नेटवर्क की भी टेक केयर करता है, मतलब कहने का कि अगर मैं एक डेटा सेंड कर रहा हूं तो वो डेटा जाएगा कैसे, थ्रू नेटवर्क। तो ए अगर बी को डेटा सेंड कर रहा है तो वो बी की कैपेसिटी मतलब बी का कितना कैपेसिटी है डेटा को एक्सेप्ट करने की उसका तो ख्याल रखेगा ही, प्लस जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम ए से बी के बीच में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का भी ख्याल रखना है कि वो नेटवर्क भी कंजेशन में ना आ जाए। तो इसीलिए टीसीपी जो है इस बी का तो ख्याल रखेगा ही रखेगा एज वेल एज इस नेटवर्क को भी कंजेशन आने से बचाने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये सारे अलग अलग प्रॉपर मेथड्स हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं टीसीपी का। अब यहाँ पे हम बात करें टीसीपी के हेडर के बारे में, टीसीपी का हेडर जो है वो बेसिकली मिनिमम से मिनिमम 20 बाइट का होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है 60 बाइट का। अगर हम 20 बाइट की बात करें तो 20 बाइट का मतलब है कितनी बिट्स होगी, 160 बिट्स, मतलब मैक्सिमम जो है वो 60 बाइट का हो सकता है लेकिन मिनिमम से मिनिमम 160 बिट्स या 20 बाइट का तो होना ही चाहिए, उससे कम का डेटा हम नहीं सेंड कर सकते, मतलब हेडर जो है वो 20 बाइट से कम हो ही नहीं सकता। अगर 20 बाइट से कम का हेडर है तो देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, मुझे 20 से कम का तो डेटा हेडर जो है वो सेंड नहीं करना। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है दैट इज सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, दोनों क्या है 16 बिट का है। यहाँ पे हमने बात की थी पोर्ट नंबर की, मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में डिटेल्स में वहां पे बताया था कि जब हम पोर्ट की बात कर रहे हैं मतलब हम एंड टू एंड डिलीवरी की बात कर रहे हैं, मेरे मशीन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, उन हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, उस पोर्ट से जब हम डेटा सेंड करते हैं तो रिसीवर में भी बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर सकती है, तो रिसीवर में कौन सी एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द एंड टू एंड डिलीवरी।
अगर हम यहां पे बात करें पोर्ट्स के बारे में, तो यहां पे 16 बिट का पोर्ट नंबर है। 16 बिट का मतलब है 2^16 पॉसिबल नंबर है, मतलब 0 to 65535 तक मेरे पास नंबर्स हो सकते हैं पोर्ट्स के लिए। लेकिन उसमें से 0 to 1023 जो है, 0 to 1023 इनको बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर्स। वेल नोन पोर्ट नंबर मतलब ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस यूज करती हैं ये वेल नोन पोर्ट नंबर। जैसे HTTP है वो 80 नंबर पोर्ट यूज करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो 25 नंबर पोर्ट यूज करता है, FTP 21 नंबर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस है जो नेटवर्क में यूज होती हैं वो सारे इस रेंज के बीच में पोर्ट्स को यूज करते हैं। ये मतलब वेल नोन मतलब जस्ट लाइक योर, जैसे हमें पता है कि 100 100 नंबर किसके लिए होते हैं, पुलिस के लिए, तो वो एक क्या है वेल नोन नंबर है। तो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेल नोन नंबर जो है 0 to 1023 तक मेरे पास वेल नोन नंबर्स है। इसके बाद जो आती है रेंज, सम आर रजिस्टर्ड पोर्ट्स एंड सम आर नॉर्मल। मतलब अगर मैं अपने सिस्टम से ब्राउजर ऑन कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल मोज़िला ब्राउजर ऑन किया या फायरफॉक्स ऑन किया, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को एक पोर्ट नंबर दे देगा। वो पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं होगा, वो एक नॉर्मल पोर्ट नंबर है जो 65535 तक हो सकता है। अब मेरी मशीन से जब एक रिक्वेस्ट जाएगी किसी सर्वर के पास, लेट से मैं कोई वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो यानी मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पोर्ट नंबर 80 के पास, बिकॉज वेब पेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं, बाय यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल। तो मेरे सिस्टम में लेट से कि जब मैंने सिस्टम को ऑन किया और ब्राउजर ओपन किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे को एक पोर्ट नंबर दे दिया 5001। अब जब मैं यहां से किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, तो उस वेब सर्वर में मेरी रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा, पोर्ट नंबर 80। तो यानी मेरे सिस्टम से, मेरी एप्लीकेशन से, मेरे एंड से दूसरे एंड तक कौन एक्सेप्ट करेगा मेरी रिक्वेस्ट को, दैट इज डन बाय द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी। तो यानी यहां पे मैं भी 16 बिट का पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं और मेरे को डेस्टिनेशन का भी पोर्ट नंबर यूज होना चाहिए, तो वो पोर्ट नंबर जो है वो 0 to 65535 की रेंज में होते हैं, जिसमें से ये जो है 0 to 1023 दीज आर नोन एज वेल नोन पोर्ट नंबर्स। देन इज सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मीन्स इन TCP एवरी बाइट इज काउंटेड। जैसा कि हमने बोला कि बाइट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, बाइट स्ट्रीमिंग मतलब ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से मेरे पास कॉन्टिन्यूस बिट्स आ रही है, कॉन्टिन्यूस डेटा आ रहा है, TCP क्या करता है उसको बाइट में कन्वर्ट कर देता है, और बाइट की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो अगर मेरे पास एक सेगमेंट है, लेट से इसी को मैं ले लेता हूं, देयर इज ऑलरेडी अ सेगमेंट क्रिएटेड, तो इस सेगमेंट में लेट से दिस इज द फर्स्ट बाइट, तो इस फर्स्ट बाइट को लेट से मैंने नंबर दे दिया 1000, तो इस नेक्स्ट बाइट का नंबर क्या होगा 1001। इस तरीके से लेट से मेरे यहां पे 50 बाइट्स डाल दिए, तो इस सेगमेंट का साइज क्या है 50 बाइट, और इस सेगमेंट में हर एक बाइट काउंटेड होगी, मतलब हर एक बाइट का एक नंबर होगा। जब भी मैं एक बाइट सेंड करूंगा टू द रिसीवर, तो उस हर एक बाइट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होगा। सो दैट इज द बाइट, और इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर्स। और जनरली जो है TCP यूज करता है रैंडम सीक्वेंस नंबर्स, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम कॉन्टिन्यूस नंबर्स देंगे उस सेगमेंट के अंदर। देन द एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर मींस जैसे ही हम रिसीवर को डेटा सेंड करेंगे, रिसीवर वहां पे मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर मैं इसी केस की बात करूं, लेट से मैंने सेंडर को डेटा सेंड किया 1000 to 1050, तो ये डेटा जब रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो रिसीवर जनरली हमेशा क्या सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट। और वो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, अगर बाइट मैंने भेजा एक्स, तो सेंडर रिसीवर जो है वो हमेशा x+1 एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। मतलब मेरा लास्ट बाइट यहां पे क्या गया 1050, तो रिसीवर जो है वो मुझे सेंड करेगा 1051, बिकॉज मैंने सेंड क्या किया था 1000 से 1050 तक, तो वो उसने रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें एक ऐड करके, मतलब इस 1051 का मतलब क्या है कि मैंने 1050 तक तो एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है 1051 की। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एक्नॉलेजमेंट नंबर।